गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमेश शर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। आप देखिए, एक्टिव का मतलब होता है चुस्त, यानी कि जो व्यक्ति खुद ब खुद कोई काम कर रहा है वो चुस्त होकर काम कर रहा है, सो इट ही इज एक्टिव। एंड पैसिव मीन्स निष्क्रिय, यानी कि जो आदमी उस कार्य को करने में सक्रिय नहीं है वो निष्क्रिय हो चुका है, यानी कि वो कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि उस व्यक्ति के ऊपर काम किया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड पैसिव वॉइस। यानी कि जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो एक्टिव वॉइस में होता है, और जब उसके ऊपर कोई कार्य किया जाता है तो वो होता है पैसिव वॉइस। आइए समझते हैं। अ वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज whether the subject does something or something is done on the to the subject। यानी कि यहां पर यह दिखाया गया है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है या कोई काम सब्जेक्ट के ऊपर किया गया है। एग्जाम्पल देखिए इसका, राम ईट्स मैंगोज। यहां पर जो राम है हमारा, यह सब्जेक्ट है। ईट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि यहां पर कोई फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेकिन यहां पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट्स, उसके बाद है मैंगोज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी होता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब देखिए, जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये आगे जाकर सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम आगे जाके सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद हम एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, चाहे हमारी वर्ब कोई फॉर्म लगी, यहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, उसके बाद हम लगाएंगे प्रेपोजिशन बाय, उसके बाद लग जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखना, यहां पर जो मैंगोज है यहां पर ऑब्जेक्ट है और यहां पर हम इसको बना लिया सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यहां पर लगी इज एम आर। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये इज एम आर यानी कि ये आर यहां पर आया कहां से और क्यों आया, क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा इज एम आर में से कोई एक आएगी, डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यहां पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पर आर आ जाएगा, इट एम आर मैंगोज आर। अब पता चले आर कहां से आया, ईट फर्स्ट फॉर्म है, इसकी बन जाएगी थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद हम प्रेपोजिशन बाय लगाते हैं हमेशा, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है हमारा ये बन जाएगा यहां आपका आकर ऑब्जेक्ट आपका। ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सेंटेंस में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़े से रूल को लेकर चलता हूं। देखिए यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, वी वन प्लस एस या ईएस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आता है, और हमारा सेंटेंस यदि नकारात्मक है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, यदि हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू एडज का प्रयोग करते हैं, और जहां पर डू एडज आ जाए तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहले भी वीडियो में समझा रखा है, फिर समझ लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एसएस का प्रयोग करते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इनके बहुवचन है, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे, और जहां पर डू या डज का प्रयोग हो जाए वहां पर केवल और केवल वी वन का ही प्रयोग होगा। अब हम इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इधर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर आएगी। पैसिव वॉइस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर आएगी, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाय हमारी प्रेपोजिशन आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए सेंटेंस,
राधा कुक्स फूड। यहां पर जो राधा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, राधा क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहां पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है कुक, और क्योंकि राधा सिंगुलर है तो कुक के साथ लग गया एस या ईएस, तो राधा कुक्स फूड। यानी कि यहां से पता चल रहा है कि राधा कुक्स फूड ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि राधा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पर लगी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा एस या ईएस, यानी कि राधा कुक्स फूड। बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। समझने की बात ये है कि यहां पर हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, उसके बाद देखना वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, वर्ब की फॉर्म लगी हमारी फर्स्ट फॉर्म राधा कुक, और क्योंकि राधा सिंगुलर है तो उसका मतलब कह दिया एस, एस या ईएस किसी को एक लगेगा तो राधा इस कुक्स एस लग जाएगा, राधा कुक्स फूड। अब हमारे समझ में आ गया कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आइए हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो यहां पर हमने उठा लिया इसका जो फूड है, फूड यहां लिख दिया फूड, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया फूड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एग्जाम, जैसे कि रूल में लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी एग्जाम आएगी, फूड सिंगुलर है तो सर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म हो जाएगी तो इसका बन गया कुक्ड, प्रीपोजिशन बाय उसके बाद आ जाएगा जो हमारा सब्जेक्ट है राधा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फूड इज कुक्ड बाय राधा। ये सेंटेंस समझ में आएगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, राम डज नॉट मेक अ नॉइस, ये हमारा नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, ये जो हमारा सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, और नेगेटिव सेंटेंस को हम समझेंगे कि ये किस टेंस का है। देखना यहां पर जो हमारा राम है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है साथ हमारी वर्ब की फॉर्म लगी है मेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो यहां पर हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, हेल्पिंग वर्ब हमारी लगी है डज, डू या डज किस में लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हमारा डू या डज लगता है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है डू या डज, और डू या डज के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इससे सिद्ध हो गया कि हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ध्यान सुनना, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ये सभी चीजें चीख चीख कर कह रही हैं कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हूं। अब आप इसका पैसिव वॉइस उसी ढंग से बनाइए, ये सेंटेंस खुद कह रहा आपको कि मेरा पैसिव वॉइस आप उसी ढंग से बनाइए जिस ढंग से मैं सेंटेंस हूं। क्या कहता है ये, ए नॉइस इसका ऑब्जेक्ट है, अ नॉइस द ऑब्जेक्ट, अ नॉइस को हमने उठाया यहां पर सब्जेक्ट बना दिया अ नॉइस, हेल्पिंग वर्ब का नॉइस सिंगुलर है ईज आ गई, उसके बाद नोट क्योंकि यहां पर नोट लगा हुआ है तो नोट का नोट आ जाएगा, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड बाय राम, अ वॉइस इज नॉट मेड बाय राम। नेक्स्ट देखिए, अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर, डू दे टेक अ टेस्ट, ध्यान से देखना यहां पर, डू दे टेक अ टेस्ट, यहां पर जो हमारा डू है ये हेल्पिंग वर्ब है, और डू डज हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में, सेंटेंस में किस टेंस में होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। मैं कुछ बात बोलूंगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भूलोगे जिंदगी में कभी, डू डज जो है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद दे हमारा सब्जेक्ट है, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अटैच्ड ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहां पर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, जहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारी लगी है, हमारी हेल्पिंग वर्ब जहां पर लगी है, वी विल नॉट चेंज द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, जहां पे हेल्पिंग वर्ब है वहीं पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखिए यहां पर डू है तो यहां पर हमने स्थान पर कह दिया इज, डू यहां पर है फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव ही रखेंगे, इंटरोगेटिव हमने चेंज नहीं करना है। यदि हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव ही रहेगा। ध्यान से सुनिए, यदि हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी वो इंटरोगेटिव ही रहेगा, और इंटरोगेटिव रखने के लिए हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगानी ही पड़ेगी, और वो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां पर देखिए डू, यहां पर डू है तो इसकी एग्जांपल में चेंज करेंगे तो यहां पर क्या आ गया इज, इज उसके बाद उठाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट,
इज अटैच्ड, उसके बाद क्या आएगा टेक, टेक की सर्वनाम बन जाएगी टेकन, इज अटैच्ड टेकन बाय, उसके बाद आ जाएगा देन, बाय प्रपोजिशन लगाया हमने, उसके बाद आ गया हमारा देन, और उसके बाद हमने लगाते साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया और इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। उसके बाद देखना व्हाई डू यू हेट हर, तुम उसे नफरत क्यों करते हो, व्हाई डू यू, व्हाई जो है हमारा डब्ल्यूएच वर्ड है, डू हमारी यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट है, हेट वी वन है, और हर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ये जो डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं ये बड़े ढीठ होते हैं, ये कहते हैं हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, अडामेंट है बिल्कुल ही, कहते हैं भाई हम तो यहां पे हैं तो यहीं पे रहेंगे। तो डब्ल्यूएच वर्ड को हमने कहा तू भाड़ में जा, तू अपना स्थान ले ले, हम तेरे झगड़ा नहीं करते, हमें क्या मतलब है तेरे से, जहां मरना मर। तो हमने वाई को यहां का यहां रख दिया, डब्ल्यूएच वाई जो अकड़ रहा था ना गणा, तो हमने ठाके इसको यहीं रख दिया, तो रह ले यहीं पे। उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू, यहां पर भी इसको हमें हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब का स्थान चेंज नहीं कर सकते। जब ये बदमाश अपना स्थान चेंज नहीं कर दे रहा डब्ल्यूएच वर्ड, तो हम शरीफ का स्थान क्यों चेंज करें भाई, शरीफ को स्थान दे दे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जरी शरीफ सी है वो, उसको क्यों बदले हम। तो हमने डू को यहां पर रख दिया, इज बना दिया इसका, क्योंकि पैसिव वॉइस में डू डज का और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हमारी इज हमारा आएगी एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के अंदर हमारी हमेशा पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होंगी इज एम आर। तो यहां पर हमने लगा दिया इज, वाई का वाई रह गया, डू का बन गया इज, उसके बाद हर, हमने हर को उठा दिया सब्जेक्ट, हर का बन गया शी, हेट का बन गया थर्ड फॉर्म हेटेड बाय यू। अब हर का शी कैसे बन गया, क्योंकि यदि हम यहां पर हर लगाएंगे, इस ऑब्जेक्ट उठा के पर हर लगाएंगे तो सब्जेक्ट का काम नहीं कर पाएगी, हर का हम सब्स्टिट्यूट दे देते हैं शी, हर के साथ में कौन रहते हैं शी, बाय शी हेटेड बाय यू का यू ही रहता है, उधर जाके यू रह जाएगा सर। नेक्स्ट देखिए व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, व्हाट हमारा डब्ल्यूएच वर्ड है, डू जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट है, और ईट जो है ये हमारा वर्ब है। जब हम इसे इधर चेंज करेंगे तो इसका बन जाएगा, मैंने आपको बताया डब्ल्यूएच जो एक अडामेंट है, डब्ल्यूएच अड़ियल है, नहीं अपनी जगह छोड़ दे डब्ल्यूएच, भाई ना छोड़ दे हमें क्या मतलब है, रह लो तुम वहीं वहीं के वहीं। तो फिर हमने क्या किया डब्ल्यूएच यहां पे जाए व्हाट का व्हाट, उसके बाद डू, हेल्पिंग वर्ब हमारी शरीफ है बेचारी, तो हमने इसके यहीं पर इसके सारे दे दिया इज, भाई डू है इसके मामे में छोरा इज आ गया, एक ही बात है बैठ भाई मुझे कोई आ दो, ठीक है डू के सारे कौन आ गया इज, उसके बाद आ गया हमारा ईट, ईट का थर्ड फॉर्म बन गई ईटन बाय यू। अब देखिए ध्यान से व्हाट डू यू ईट, व्हाट इज ईटन बाय यू, इतने सारे सेंटेंस करने के बाद हमें एक बात समझ आ गई है, यहां पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक बहुत ही आसान ही चीज है, इसके अंदर जो मुख्य बदलाव हमें करने हैं वो क्या है, वो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को उठाना है, सब्जेक्ट को देखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है, उसके बाद मैंगो ये देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है। इनको देखने के बाद हमें ये समझ में आ जाता है कि जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है। सबसे पहली बात समझने योग्य है कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, बस आपने ध्यान रखना है कि आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए किस टेंस का है, इसके लिए आपको टेंस जानने बहुत जरूरी है, वो मेरे पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, साथ साथ मैं यहां भी समझा रहा हूं, तो आपको यह पता चल गया कि जो हमारा सेंटेंस है ये किस टेंस का है, आपको यह पता चल गया कि हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके बाद आपने देखना है कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल क्या है, हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज एम आर, उसके बाद वी थ्री वी वन की बन जाएगी वी थ्री, प्रेपोजिशन बाय आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ये ऑब्जेक्ट कहां से आया, जो हमारा यहां पर ये जो सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में आकर यहां पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ये यहां पर सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका बन जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रेपोजिशन, इसमें ऐसे ऐड कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला जो पार्ट है आज हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी हमने इसके कई पार्ट और करने हैं आगे जाकर, और जो जो हम आगे बढ़ेंगे आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आज हम थोड़ा इजी लेके चले हैं, धीरे धीरे जो इसके सबसे मुश्किल सेंटेंसेज हैं मैं आप उन तक लेके जाऊंगा, और सारे के सारे जो एक्टिव पैसिव सेंटेंस हैं आपके
दिमाग के अंदर ऐसे फिट हो जाएंगे जैसे आप इनको वर्षों से जानते हो और आपके लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कोई मायने ही नहीं रखते हो। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, आपसे अगली वीडियो मिलूंगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। धन्यवाद।